लोग जा रहे खंडोली शूट करने के लिए सब दोस्त लोग के साथ, फ्रेंड लोग के साथ। तो बस आप देखिए पूरा वीडियो को। कि मैं बोला था कि खंडोली के पे वीडियो आप लोगों ने तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि आपने ना कभी खंडोली में पहले देखी होगी और ना ही आगे आइए तो देख पाएंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे बोटिंग रखा हुआ है और आप यहाँ पे बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए सब बोट लगा हुआ है और मोटर वाला भी बोट लगा हुआ है। आप आइए टिकट कटा के बोट का मज़ा। जा रहा हूँ पहाड़ दिखाने के लिए आप लोगों को। बहुत ही बड़ा पहाड़ है और उस पर सीढ़ी है, दिखा के सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे। देखिए ये जो पहाड़ देख रहे हैं उसके ऊपर सीढ़ी बनाई गई है। चलिए मैं आप लोगों को सीढ़ी दिखाता हूँ, जिससे कि आप इस पहाड़ की आधी दूरी तय कर सकते हैं और उसके बाद सीढ़ी नहीं है, उसके बाद आप ये देखिए आ गए हम लोग। जो सीढ़ी का बात कर रहे थे यही सीढ़ी है। ये देखिए ये सीढ़ी बनाया गया है, जिससे कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी आधी दूरी तक चढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको खुद ही चढ़ना है। रास्ता बना हुआ है लेकिन थोड़ा चढ़ने में मुश्किल होगा, बट चढ़ सकते हैं ऊपर तक। जैसे कि मैं दौड़ के चढ़ गया और ये लोग को मैंने पीछे कर दिया है और अब चढ़ते ही जा रहा हूँ आगे और ये लोग भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप कभी आइए तो ऊपर ज़रूर चढ़िएगा। यहाँ तक से ऊपर का मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक जरूर चढ़े, सीढ़ी बना हुआ है, बच्चों के साथ भी चढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, ये देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर आप ऊपर आइए तो जरूर चढ़िए यहाँ पर। और ये आधे दूर से ही आधा ही चढ़े पहाड़ पे और वहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। वो देखिए वो रहा सामने डैम और वो जो दिख रहा है वहाँ पे गोल जैसा, वो रेलवे ट्रैक है, ट्रेन चलती है, दो ट्रेन और भी बहुत सारे खूबसूरत व्यू। अगर आप ऊपर चलेंगे तो और भी खूबसूरत व्यू दिखेगा। मैं इसी की बात कर रहा था गाइस, ये देखिए कैंप लगा हुआ है, सब अपने टेंट लेके आए हैं यहाँ पे एडवेंचरिंग करने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। मैं इसी की बात कर रहा था कि हो सके आप जब आओ तो ये कैंप आपको ना मिले। ये देखिए सब अपने अपने पर्सनल टेंट लगाए हुए हैं, दो ग्रुप है, आप अगर चाहें तो आप भी अपने टेंट लेकर यहाँ पे आ सकते हैं और पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। बहुत सारे खाने पीने की सामान यहाँ बिक रही है, गुपचुप, चाट, आइसक्रीम और यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है जो भीड़ होने पे चलाई भी जाती है। और ये देखिए आइसक्रीम, गुपचुप। अंदर जाने के लिए टिकट लगता है, कितने दाम है टिकट का? 14 रुपये दाम है टिकट का एक आदमी का, एक आदमी का 14 रुपये लगेगा। आइए अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। स्टेचू बना हुआ है, लोहार का स्टेचू बना हुआ है, हथौड़ा चला रहा है, KGF वाला हथौड़ा चल रहा है यहाँ पे भी। ये बच्चों लोग के लिए स्लाइडिंग लगा हुआ है और ये देखिए यहाँ बच्चे लोग स्लाइड भी कर रहे हैं। और बच्चे लोग मज़ा आ रहा ना, काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है बच्चे लोगों के साथ। ये देखिए एक और स्लाइड है यहाँ पे, चारों तरफ से स्लाइड कर सकते हैं। बहुत बड़ा राक्षस का मुंह बना हुआ है, इसके अंदर आप सीढ़ी से चढ़िए और फिर स्लाइड करिए। ये देखिए सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी है, आप आराम से चढ़ के स्लाइड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को स्लाइड करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये हम लोग अंदर आ गए और ये देखिए अंदर का नज़ारा,
और इधर भी सीढ़ी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हैं, इधर स्लाइड कर सकते हैं, काफ़ी डर लग रहा है, यहाँ से आराम से स्लाइड कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। यहाँ फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, ये देखिए करवा भी रहे हैं काफ़ी लोग, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोटो आएगा यहाँ पर। काफ़ी स्टेचू बना हुआ है पार्क में, देख सकते हैं। और हम लोग फिर एक छोटे से पार्क में एंट्री कर रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है, आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे अभी, ये देखिए बहुत सुंदर। ये पार्क के अंदर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए काफ़ी सुंदर पार्क है। वैसे आज का मौसम भी काफ़ी सुंदर है, आप कोई फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत फूल के पौधे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत फूल के पौधे भी लगाए गए हैं यहाँ पे, जिससे यहाँ का व्यू और भी खूबसूरत हो जाता है। आप कभी आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। ये हवाई जहाज़ बनाया गया है स्लाइड, जिसमें इधर सीढ़ी से आप चढ़ के और अंदर से स्लाइड कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है बच्चों को यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे खरगोश के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं खरगोश के बच्चे, ये देखिए पार्क में पूरा खंडोली का व्यू दिखा रहा हूँ, पार्क के अंदर का है, बच्चे लोग स्लाइड कर रहे हैं, ये देखिए। या आप आए होंगे कंडोली कभी नोटिस नहीं किया होगा, ये देखिए पत्थर की मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई हैं, ये देखिए हाथी है, और ये रहा शेर, और वहाँ पे है एक गाय, और भी ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए ये भी एक मूर्ति, वेकेशन चलती है जनवरी के समय में, यहाँ से पानी गिरता है और यहाँ से नीचे जाता है, फिर रिवर से फिर नीचे गिरता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आप जब जनवरी के समय में आएंगे तो यहाँ देखेंगे। और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ देख रहे हैं, ये पिकनिक स्पॉट होता है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आके आराम से पिकनिक मना सकते हैं पिकनिक के सीजन में। ये डैम है और देख सकते हैं आप पानी कितना भरा हुआ है, जैसे कि बोटिंग होती है यहाँ पे। ये डैम का गेट है, आप लोगों को मैं नीचे देखिए, यहाँ जनवरी के टाइम में यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, और ये जो सारा देख रहे इधर, ये पूरा पिकनिक स्पॉट है, आप इधर आके कहीं भी पिकनिक मना सकते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।